वंदे मातरम दोस्तों, इस बार राष्ट्रीय पर्व पर मैं एक खास व्यंजन बनाने जा रही हूँ और इस व्यंजन का नाम है तिरंगा ढोकला विद तिरंगी चटनी। यह तिरंगा ढोकला बनाने में बहुत आसान है और इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। साथ ही इसके लिए हमें किसी भी विशेष प्रकार के सामान की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बनाते हैं तिरंगे ढोकले विद तिरंगी चटनी। तिरंगे ढोकले बनाने के लिए ये जो एक कटोरी हमने सूजी ली है, इसे हम किसी बड़े प्याले में डालेंगे और इसी के अंदर हम एक कटोरी दही हमने लिया है, इसे भी डाल देंगे और दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। यदि आपको लगे कि हमारा घोल थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। इसी में मैं अब एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद अच्छी तरह मिलाकर अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आप इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख दीजिए ताकि सूजी फूल जाए। बनाने के लिए आप सबसे पहले गैस पर एक भगोनी या इडली का कुकर रखेंगे और गैस चालू कर देंगे। इसके बाद ये जो इस तरीके की जाली होती है, स्टैंड होता है, इस स्टैंड को मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। अब आपको कोई इस तरीके का गोल या चौकोर ऐसा बर्तन लेना है, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि उसकी ऊंचाई अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे ढोकले अच्छी तरह फूल पाए और उन्हें जगह मिले। अब इस इडली के अब इस भगोनी में मैं इस बर्तन को रख रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ढोकले के लिए जो हमने सूजी और दही का घोल तैयार किया था, उसे मैंने 3 बाउल में बराबर निकाल लिया है और हमारा घोल कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। अब सबसे पहले हम हरे रंग का घोल डालेंगे। उसके लिए मैंने ये फूड कलर लिया है और इसको आप थोड़ा सा, एक चुटकी से भी कम कलर आप इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारे घोल का रंग हरा हो चुका है। हरा रंग डालने के बाद मैं इसमें एक चुटकी जो खाने वाला सोडा है, मीठा सोडा, ये डाल रही हूँ। और सोडा डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। ये देखिए पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें इस तरह से ये जो हरे रंग का घोल है, इसे हम डालेंगे और इसे चारों तरफ फैला देंगे और तुरंत हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट तक इसे सेट होने देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुकी है और हमारे हरे रंग का ढोकला फूल चुका है। अब इसके ऊपर हम सफ़ेद रंग का घोल डालेंगे। मैं सफ़ेद रंग का घोल डालूंगी। इसमें भी मैंने, ये देखिए, आधी चम्मच मीठा सोडा लिया है और मीठा सोडा डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और तुरंत हमें इस हरे रंग के ढोकले के ऊपर डालना है। ये देखिए, इसे डालकर भी आप चारों तरफ इसे फैला देंगे। इसे डालने के बाद हम 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम ऑरेंज कलर का घोल डालेंगे। उसके लिए ये मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, एक चुटकी फूड कलर हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छी तरह हिला लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह
गाजर का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ढोकले का स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें फूड कलर लिया है। सब्जियों की पूर्ति हम चटनी से करेंगे, क्योंकि चटनी हमने हरे धनिये से, टमाटर से, इस तरीके की नेचुरल चीजों से बनाई है। यदि आपको कलर कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और कलर मिलाने के बाद में हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। कलर ऐड करने के बाद में हमें मीठा सोडा ऐड करना है और इसे तुरंत अच्छी तरह मिक्स करके सफ़ेद रंग के ढोकले के ऊपर डालना है, क्योंकि सफ़ेद रंग के ढोकले को 5 मिनट हो चुके हैं और वह भी अब सेट हो चुका है। ढोकला सेट हो चुका है, अब आप इसके ऊपर ये जो ऑरेंज कलर का घोल है वो डालेंगे। और इसे चारों ओर फैला देंगे। अब लास्ट में जब आप इसे ढके तो इसके ऊपर एक सूती कपड़ा लगा दीजिए इस तरह से, और उसके बाद प्लेट लगाइए ताकि जो स्टीम बने वह ढोकले के ऊपर नहीं गिरे। और इस तरह से कपड़े को ऊपर कर दीजिए ताकि कपड़ा जल नहीं पाए। और इस तरह से अब हम इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तिरंगी चटनी बनाने के लिए हमने 3 तरीके की सामग्री ली है। सबसे पहले तो हम हरे रंग की चटनी बनाएंगे, तो उसके लिए हरा धनिया है, हरी मिर्च, खटाई के लिए 1 टमाटर, जीरा, नमक और 1 अदरक का टुकड़ा। इन सभी सामग्री को हम मिक्सी में पीस लेंगे और इस तरह से हरी चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। सफ़ेद चटनी बनाने के लिए मैंने ये नारियल का बुरादा लिया है। यदि आप चाहें तो ताज़ा नारियल का भी, जो बाहर का काला छिलका होता है, उसे छीलकर उसका सफ़ेद भाग निकालकर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बुरादा लिया है। और 1/2 कप दही और 1/2 चम्मच सादा नमक, इन तीनों सामग्री को हमें मिक्सी में केवल 2 सेकंड के लिए मिक्स करना है और इस तरह से हमारी सफ़ेद चटनी तैयार हो जाएगी। ऑरेंज चटनी बनाने के लिए ये देखिए, ये टमाटर है, ये सूखी हुई लाल मिर्च है। यदि आपके पास ऐसे साबुत लाल मिर्च उपलब्ध नहीं है तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। 1/2 चम्मच खड़ा धनिया है, 1 अदरक का टुकड़ा है, 5-6 कलियां लहसुन की है और मूंगफली के दाने, 20-25 मूंगफली के दाने छीलकर मैंने रखे हैं, और 1 चुटकी जीरा। इन सभी सामग्री को पीस लेंगे तो हमारी ऑरेंज चटनी तैयार हो जाएगी। टूथपिक या चाकू इसमें डालकर देखिए, थोड़ा घोल इस पर चिपक रहा है। अभी हम इसे 5 मिनट और पकने देंगे। 5 मिनट और हो चुकी है और खमण अच्छे से पककर तैयार है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ढोकले में बघार लगाने के लिए एक बर्तन में 1 चम्मच तेल डालकर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 1/2 चम्मच राई डाल रही हूँ। राई चटक चुकी है, अब हम इसमें करी पत्ता और इसके बाद हरी मिर्च डालेंगे। एक मिनट हरी मिर्च को पकने देंगे। इसमें आप थोड़ा सा सादा नमक डाल दीजिए, इससे मिर्च का स्वाद थोड़ा सा नमकीन हो जाता है और टेस्ट बढ़ जाता है। अब इस बघार को आप इस ढोकले के ऊपर डाल दीजिए। ढोकला ठंडा हो चुका है,
अब हम इसे किनारे से हल्का सा निकालेंगे और किसी थाली में पलट देंगे। इस खमण को अब मैंने एक थाली में निकाल लिया है। अब हम इसके चौकोर चौकोर टुकड़े कट करेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा खमण बना है, आप देख सकते हैं ये किस तरह से तीनों लाइनें हमारी बिल्कुल सेपरेट नजर आ रही है। ये देखिए तीनों तरीके की चटनियां पिसकर तैयार है। ये जो सफेद चटनी है इसमें आप हल्की सी बीच में थोड़ी सी राई डाल दीजिए, इससे हमारे बिल्कुल तिरंगे जैसा लुक आ जाएगा। ये लीजिए हमारा तिरंगा ढोकला विद तिरंगी चटनी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। बनाइए और लुत्फ लीजिए।